नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि सीरीज में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, आज हम देवी दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी देवी के बातें करेंगे। कल द्वितीय पूजा है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, उनका दिन है। ब्रह्मचारिणी माता अक्सर सफेद वस्त्र पहनती है जो प्योरिटी एंड पीस को दर्शाती है। सफेद रंग उनके प्रिय रंगों में से एक है जो उनकी दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक संबंध को प्रतिष्ठित करता है। ब्रह्मचारिणी माता सफेद फूलों को पसंद करती है, खास करके अगर सफेद कमल का फूल है तो। मान्यता है कि इन फूलों को उन्हें अर्पित करने से हमारे जीवन में पवित्रता और शांति प्राप्त होती है। प्रसाद में उन्हें मीठा खीर या फल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीज मंत्र ऑफ ब्रह्मचारिणी देवी। उनका बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। वो उनकी दिव्य ऊर्जा से जोड़ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी लव, लॉयल्टी एंड डेडिकेशन का भी प्रतीक है। वे हमें सत्य के मार्ग को ग्रहण करने और अपने लक्ष्यों पर फोकस्ड रहना सिखाती है। उनकी पूजा करके हम आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी इज एसोसिएटेड विद द स्वाधिष्ठान चक्रा। जी हाँ, ये स्वाधिष्ठान चक्रा से भी एसोसिएटेड है। इस चक्र को सक्रिय करने से क्रिएटिविटी में सुधार होता है, इमोशंस बैलेंस होते हैं और हमारे इनर सेल्फ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बनता है। आप इस चक्र को सक्रिय करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र का 108 माला जाप भी कर सकते हैं। तो यह थी माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वे पवित्रता, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। उन्हें भक्ति से पूज के उनकी सिखाई मार्ग का पालन करके हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय माता दी।